उमरिया जिले के नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के ठहराव के लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच के नेतृत्व में महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर के नाम का ज्ञापन स्टेशन मास्टर नौरोजाबाद को लगातार तीसरी बार सौंपा है। ज्ञापन देने के दौरान हजारों लोग वहां मौजूद रहे। गौरतलब है कि नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन कटनी और बिलासपुर के बीच एकमात्र स्टेशन है जहां से सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को जाता है। इसके बावजूद भी यहां ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है। नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन में कोरोना काल के पूर्व जिन ट्रेनों का ठहराव होता था उन ट्रेनों का ठहराव सरकार द्वारा कोरोना काल में बंद कर दिया था। कोरोना काल के बाद जिन ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हुआ उसमें से कुछ ट्रेनों का ठहराव ही होता है जिस कारण नौरोजाबाद और आसपास के क्षेत्र में लोगों को काफी परेशानी होती है। नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन लगभग सैकड़ों गांव का केंद्र बिंदु है। इस दौरान नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर रेल प्रशासन ट्रेनों के ठहराव को लेकर हमारी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं करता है तो जल्द ही नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन में विशाल धरना प्रदर्शन होगा जिसकी संपूर्ण जवाबदेही रेल प्रशासन की होगी। नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन में हमारे तीसरा ज्ञापन है और रेल ठहराव के लिए है और तीन बार हमने इनको करीब एक महीने का समय दिया है। एक महीने रेल प्रशासन ने हमारी मांग पूरी नहीं की। कोई बहुत बड़ा मांग हमने नहीं मांगी है और अपने जनहित के कार्य हैं और ये काम इनको पहले से ही कर लेना चाहिए था। ये आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमने पाँच दिन का समय दिया है, अंतिम पाँच दिन का समय दिया है और यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो पाँच दिन बाद हम क्रमिक भूख हड़ताल में बैठेंगे। आज हम रेल प्रशासन को तीसरी बार यह चेतावनी दिए हैं कि रेल प्रशासन हमारी इन जायज मांगों को तत्काल पूरा करे और अगर ये पूरा नहीं करता तो पांचवें दिन से ये क्षेत्र की जनता आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। हमने अपनी जायज एवं पुरानी स्टॉपेज ट्रेन के मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसमें रेल प्रशासन क्यों नहीं हमारी मांगों को पूरा कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा कि रेल प्रशासन पांच दिन के अंदर हमारे ज्ञापन में लिखी हुई सारी मांगों को मांगने का पत्र जारी करे अन्यथा पांचवें दिन से भूख हड़ताल और इसके बाद रेल रोको आंदोलन ग्रामीण जनता द्वारा किया जाएगा। उसमें कोई भी अपनी घटना या नुकसान होता है उसकी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होगी। ये जो ज्ञापन दिया गया है आज यहाँ जनसमुदाय बहुत इकट्ठा हुए थे नौरोजाबाद में और ये तीसरी बार ज्ञापन दिया गया कि गाड़ी को रोकने के लिए बहुत सारी गाड़ी को रोकने के लिए मांग किया गया है और बहुत सारे इनका डिमांड भी है ये जैसे प्लेटफॉर्म का और भी एक्स्ट्रा इधर उधर का। तो ये ऊपर मैंने इसको प्रेषित किया है, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ ये भी दिया गया है इनके तरफ से, ये तो अब तो प्रशासन की तरफ से बोल देंगे, देखते हैं क्या होता है आगे।